इतना इंतजार क्यों करवा रहे हैं नेताजी? सोनिया जी बताइए। नो कमेंट्स। मंत्री जी, बाहर पुलिस वाले और मीडिया वाले हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमें चलना चाहिए। अरे आप तो हमार सेक्रेटरी हो, अच्छी तरह से हमार धर्म पत्नी को जानती हो कि तो हर मामले में स्लो ट्रेन। ऐसा घूर घूर के क्या देख रहे हो? कभी तंदूरी चिकन नहीं देखा का? सब बाहर लोगों को लग रहा है कि आपकी कंडीशन बहुत सीरियस है। मैं मीडिया वालों को क्या बीमारी बताऊं? अरे कहने में क्या जाता है, कुछ भी कह दो। भैया आज हमारी बात मान लो, चीटी की सिटी कह रही है कि आपको एड्स हुआ है। हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए हम। अरे चुप गधू। ए सोनिया, तुम सेक्रेटरी हो, मीडिया को संभालो, कुछ कहो, कुछ बताओ। दीदी आप रो क्यों रही है? घर में चोरी हुई है क्या? ट्रेडमिल, प्लाज्मा, सोफा और पेंटिंग सब कुछ तो है। अरे डीवीडी प्लेयर भी है। फिर तेरे जीजू। जीजू? नहीं जीजू, आप हमें चोर। नहीं 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 नहीं, वो मरे नहीं, वो जिंदा है। वो तो चोरी हो गए। जिम से एक्सरसाइज करके बाहर निकल रहे थे तो गुंडे उन्हें उठा कर ले गए। ये कौन है? तेरे जीजू तो नहीं? हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सोनिया। कौन बोल रहे हो तुम? चार्ली। जीजा जी की बहुत फिक्र हो रही है। नहीं, अगर मेरे जीजा जी को कुछ हुआ तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तो नहीं सोनिया, मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे, बहुत ही खतरनाक लोग हैं। जीजू आप ठीक तो है ना? हेलो, आप जिंदा है ना? हाँ, पर प्रोटीन शेक के बिना 6 घंटे से 1 ग्लास लस्सी तक नहीं पूछी इन्होंने। जीजू देखो, आप तो मुझे जानते हो ना, आप बिल्कुल घबराना नहीं, मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूंगी। और चैपलिन को फोन देना। चैपलिन जी बात कीजिए ना। हाँ चैपलिन। चार्ली, अरे वो क्या चाहिए तुम्हें? वाई वाई सिंह। वाई वाई सिंह? हाँ सोनिया, इनकार मत करना प्लीज, वरना तुम्हारे जीजा जी की मौत का हमें भी अफसोस होगा। एक्चुअली हम वाई वाई सिंह के साथ एक छोटा सा खेल खेलना चाहते हैं और उसमें तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। ध्यान से सुनो सोनिया, सिटी हॉस्पिटल वीआईपी सुइट जहाँ पर वाई वाई सिंह को एडमिट किया गया है, तुम्हें बस उन्हें बालकनी तक लेकर आना है, एंड दैट इज इट, सिंपल। ये क्या बकवास है, मेरे कहने पे वो ऐसा क्यों करेंगे? बिल्कुल करेंगे सोनिया। सोनिया तुमने कभी खुद को देखा है आईने में? कितनी खूबसूरत लगती हो तुम, खूबसूरत चेहरे के साथ अगर तुमने लाल रंग की साड़ी पहन ली तो वाई वाई सिंह बालकनी तक तो क्या बालकनी से कूद भी जाएगा सोनिया। और अगर ये सब करने से इनकार करूं तो? तो नहीं। सोनिया मुझे बचा लो, ये जो कहते हैं वो करो, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। देखो चाली, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, लेकिन मेरे जीजा जी को कुछ नहीं होना चाहिए। और हाँ, टाइम टाइम पे उन्हें प्रोटीन शेक मिलना चाहिए और विटामिन, और विटामिन भी। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल सोनिया। और हाँ सोनिया, याद रखना लाल साड़ी। Excuse me. नाम क्या है आपका? सोनिया। सोनिया, ब्यूटीफुल नेम। आपका वाई वाई सिंह के साथ क्या रिश्ता है? मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ, अब क्या आप मेरी तलाशी भी लेंगे? दिल तो बहुत चाहता है लेकिन यकीन, आप जा सकती हैं। क्या मैं आपका नाम पूछ सकती हूँ? चतुर सिंह। चतुर सिंह, नाम तो याद रहेगा ना आपको? ऑफ कोर्स। नाउ आई विल गो। फिर कब मिलेंगे? किस्मत खराब हुई तो बहुत जल्द। गॉड विलिंग।
की तलाशी क्यों नहीं ली? वो क्रिमिनल लगती है पप्पू। आप ये बात इतनी दावे से कैसे कह सकते हैं? मैंने उसकी आंखों में देखा है, इतनी मासूम आंखों वाली लड़की क्रिमिनल नहीं हो सकती। दंडबाग से वाक। पप्पू प्लीज प्लीज पप्पू। बॉस आपका डंडा। आउच। ये तो मुझे देख ही नहीं रहा। ऐसे क्या देख रहे हो सर? सर, आप तो मुझे जानते हो ना, ये चेक और ये फाइल तो मैं आपको खड़े खड़े दे सकती हूँ, तो प्लीज मुझे आपके बगल में बैठने के लिए प्लीज फोर्स मत कीजिए। अरे बैठो ना सोनिया। सर, आप मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? तुम तो इतनी अच्छी लग रही हो कि हमें बुरा बनना पड़ेगा। अंदर फायरिंग चल रही बॉस। घबराओ मत पप्पू, एक्शन पिक्चर देख रहे होंगे। राम बाबू। राम बाबू ने रैम्बो। आई नो दैट। ये कहां फंसा दिया तुम लोगों ने मुझे? अगर मुझे मालूम होता कि तुम लोग वाई वाई सिंह को मारने वाले हो तो मैं इस काम के लिए कभी हाँ नहीं करती। रिलैक्स सोनिया। हाँ, चार्ली तुम्हारे काम से बहुत खुश है। जस्ट शट अप। जो तुम लोग ने चाहा मैंने किया। कहाँ है मेरे जिया जी? अभी काम खत्म नहीं हुआ है। चार्ली चाहते हैं कि तुम साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हो जाओ। साउथ अफ्रीका? पागल हो गए तुम लोग। बात पूरी होने दो। हम तुम्हें वहाँ कोई वेकेशन के लिए नहीं भेज रहे हैं। एक्चुअली वाई वाई सिंह ने गन्ना घोटाले के 500 करोड़ साउथ अफ्रीका के किसी डॉन गोलू गुलफाम के पास रखवाए। पार्टनर्स इन क्राइम, यू नो। हम चाहते हैं कि तुम वो हीरे हमारे लिए हासिल कर दो। ऐसा क्यों करूंगी? हाँ, वो इसलिए कि हिंदुस्तान के ऐसे किसी जेल में जिंदगी भर चक्की पीसने से अच्छा है कि साउथ अफ्रीका चली जाओ, एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। और मुझे यहाँ से निकालेगा कौन? चतुर सिंह खुद तुम्हें निकालेगा यहाँ से। मैं साउथ अफ्रीका मैं ले जाऊँ। इस मौके का इंतजार करो। गुड लक सोनिया। सोनिया वर्मा। सरप्राइजिंग, पहचाने नहीं। सोनिया वर्मा। ये क्या, जब से आए तुम बियर पी रहे हो? कम ऑन, वी हैव टू लीव। वो चतुर सिंह हमारे होटल में ही ठहरा है। रिलैक्स सोनिया, उस बेवकूफ से हमें क्या खतरा हो सकता है? वो तो वैसे भी तुम्हारा दीवाना है। ए, तुम क्या कहना चाहते हो? यही कि उसे भागने के बजाय उसे गले लगाओ। ये चतुर सिंह उस गोलू गुलफाम और उन हीरो तक पहुंचने में हमारी मदद करेगा। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि उस पागल को पूरा भरोसा है कि तुम बेकसूर हो। जो सच है, मुझे फंसाया गया है। तुम लोगों की वजह से मुझे इंडिया से यहाँ भागना पड़ा। हाँ सोनिया, लेकिन ये मत भूलना, ये सब तुम अपने प्यारे जीजा जी के लिए कर रही हो ना। मजबूरी में आके ना जाने मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। एक भोले भाले इंसान का इस्तेमाल करके शर्म आ रही।